गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड दैट फाइबर्स टू फैब्रिक। तो फाइबर्स मेनली जो है ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, एंड नाउअडेज वी कैन प्रिपेयर सिंथेटिक फाइबर ऑल्सो। तो लेट्स वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द सिंथेटिक फाइबर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अ मटेरियल इज सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। इसका मतलब क्या हो गया कि एक मटेरियल एक सब्सटेंस होता है जिससे थिंग्स आर मेड, यानी जिससे कोई चीज़ें बनती हैं, जिससे कोई वस्तुएं बनती हैं, किसी सब्सटेंस से बनती हैं। तो अपन डेली लाइफ के अंदर लॉट ऑफ मटेरियल अपन यूज़ करते हैं इसके अंदर, उसमें से कुछ हार्ड, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, वाटरप्रूफ या अब्जॉर्बेंट हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है जब इसका मेकिंग जब होता है तो कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना है, उसका यूजेस के बेस पे जो इसको सेलेक्ट करेंगे अपन। अब देखिए, अपन जो आज के टाइम में जो डिफरेंट टाइप के क्लॉथेस, पैंट, शर्ट को यूज़ करते हैं, तो इनका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, इसको अपने को समझना है। तो क्या ये सिंथेटिक क्लॉथ है या ये सिंथेटिक क्लॉथ है तो ये कैसे बने हैं, इसको समझेंगे अपन। क्लॉथ ऑफ द डिस्टेंट पार्ट वर मेड अप फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखिएगा, ऑलमोस्ट ऑल सिंथेटिक फैब्रिक्स एंड द मटेरियल्स यूज्ड टुडे आर मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम और नेचुरल। तो देखिएगा, अपन ज़्यादातर जो क्लोथेस यूज़ करते हैं वो आजकल जो है सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं, और ये सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो मेड फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बनते हैं। अगर अपन बात करें आगे, वी हैव लर्नड अबाउट द जूट एंड कॉटन। अपन देखिए फाइबर्स के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा, 7th क्लास के अंदर। तो अपन फाइबर्स को जो है मेनली 2 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर के अंदर जो है मेनली अपन डिवाइड करते हैं इसके अंदर प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। तो प्लांट फाइबर के अंदर मेनली एग्जांपल जो आते हैं वो कॉटन और जूट, ठीक है, ये होता है। और एनिमल्स फाइबर के अंदर जो मेनली वुल और सिल्क होता है, ठीक है। तो ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नेचुरल फाइबर जो है का यूज़ फैब्रिक्स मेकिंग के अंदर करते हैं और उससे क्लोथ बनता है। लेकिन देखिएगा, नेचुरल फाइबर जो है ये इतना सारा पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो है इसका अल्टरनेट जो है सिंथेटिक फाइबर बनाए गए हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ जो है अपन क्लोथिंग मटेरियल्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो अपने घरों के अंदर भी बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं इसके अंदर। तो देखिएगा, सिंथेटिक फाइबर्स का जो डिमांड है आज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि नेचुरल फाइबर जो इनसफिशियंट है। सिंथेटिक फाइबर के अंदर जो मेनली यूज़ होता है, आर्टिफिशियल फाइबर के अंदर यूज़ जो होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कोल एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है इसके अंदर। आर्टिफिशियल फाइबर को जो है कॉमनली अपन सिंथेटिक फाइबर या मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं। तो व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर किससे पता है? एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर आर द पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स के अंदर मीनिंग क्या हो गया, यानी उसके अंदर बहुत सारी जो है यूनिट्स आपस में जॉइन होती है और एक लॉन्ग चेन बनती है। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं, एक जैसे ये चेन बनी है तो उसके अंदर एक सिंगल यूनिट आपस में जॉइन होकर एक लॉन्ग चेन बनी है। ऐसे ही देखिए, ये पेपर क्लिप्स को अपन जोड़ के एक लॉन्ग चेन बनाए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो है अपन एक स्मॉल यूनिट्स को अगर आपस में जॉइन करें तो एक लॉन्ग चेन बन सकती है। तो फाइबर्स को भी जो है कुछ इसी तरह से अपन बनाते हैं। तो फाइबर्स के अंदर जो मेनली यूज़ होते हैं वो मोनोमर्स यूज़ होते हैं। तो मोनोमर्स का मीनिंग हो गया यहाँ पे
इसका मतलब मोनो का मीनिंग हो गया वन और मर्स का मीनिंग हो गया यूनिट, यानी सिंगल यूनिट। तो मोनोमर जो है वो सिंपल यूनिट हो जाएगा इसके अंदर ऑफ गिवन केमिकल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मोनोमर इन द नेचुरल फाइबर कॉटन, जैसे बात करते हैं अपन नेचुरल फाइबर है कॉटन, तो इसके अंदर जो मोनोमर है वो है ग्लूकोज। तो सेलुलोज जब आपस में ज्वाइन होता है तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। इस तरह से जो है ये इसका मोनोमर हो गया। फिर ऑन नेचुरल फाइबर सम मोनोमर ज्वाइन इन ए लार्ज नंबर टू फॉर्म अ चेन ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड द पॉलीमर। तो मोनोमर आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। तो जब एक लॉन्ग चेन जब बनती है मोनोमर्स की तो उसको अपन पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, पॉली मीन्स हो गया मेनी और मर यानी यूनिट, यानी बहुत सारी यूनिट्स आपस में ज्वाइन होती हैं। सो द पॉलीमर कंटेन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम टाइप ऑफ द मोनोमर्स। तो पॉलीमर्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स की जो है यूनिट्स आपस में ज्वाइन होती है। जैसे अपन बात करते हैं पॉलीमर जो है कॉटन की बात करें तो कॉटन जो है वो सेलुलोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज की जो है मोनोमर्स जो होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। यानी ग्लूकोज मिलकर सेलुलोज बनता है, सेलुलोज से जो है कॉटन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द नेचुरल फाइबर और पॉलीमर्स आर प्लास्टिक इन। अब नेचुरल फाइबर भी क्या होते हैं, प्लास्टिक इन नेचर और दे कैन मोल्डेड इनटू द वेरियस। तो उनको भी अलग अलग शेप के अंदर अपन चेंज कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच सब्सटेंस कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी। यानी किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जिसके अंदर उनको अलग अलग शेप के अंदर अपन कन्वर्ट कर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपन बोलते हैं इसकी प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो ये जो वेरियस फॉर्म के अंदर चेंज होना या मोल्ड करने की जो कैपेसिटी है इसको अपन बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अब सिंथेटिक फाइबर क्यों बोल रहे हैं इसको अपन आर्टिफिशियल फाइबर को, क्योंकि इनको जो है केमिकल्स के थ्रू जो है अपन बनाते हैं। तो केमिस्ट हैव डन टू मेक द डुप्लीकेट नेचुरल फाइबर, यानी जो है साइंटिस्टों ने या केमिस्टों ने जो है वो डुप्लीकेट नेचुरल फाइबर बनाए। दे हैव लर्न टू कंबाइन द सिंपल मॉलिक्यूल्स, तो उन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करा इनटू ए लॉन्ग चेन ऑफ अ बिगर मॉलिक्यूल और एक बड़ा लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनाए। सो टू फॉर्म द आर्टिफिशियल फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए जो है अपन मोनोमर्स का यूज़ करके बनाते हैं। दीज आर्टिफिशियल फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो ये आर्टिफिशियल फाइबर ही जो है उसको अपन सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर बोल रहे हैं इसके अंदर। द प्रोसेस by which the artificial fibers are made from simple molecules is called the polymerization. So next, what is polymerization? The process by which artificial fibers are made from a simple molecules. So इसको अपन बोलते हैं polymer, यानी जिसके द्वारा artificial fibers को अपन जो है बनाते हैं simple molecules को आपस में मिला के। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे दिए है। मोनोमर्स का डेफिनेशन है यहाँ पे, तो मोनोमर्स इन सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन ए पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। पॉलीमर यानी द प्रोडक्ट फॉर्म बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर। तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर से मिलकर जो अगर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन पॉलीमर बोल देंगे, ठीक है। प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या है, मटेरियल विच कैन बी इजिली मोल्डेड इंटू वेरियस, यानी जिसको अलग अलग फॉर्म्स के अंदर अपन मोल्ड यानी उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स। तो एक किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर अपन किसी मटेरियल को अलग फॉर्म्स के अंदर अलग अलग फॉर्म्स के अंदर मोल्ड यानी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स की बात करें इसके अंदर, तो देखिए स्टूडेंट पहला है इसके अंदर आर्टिफिशियल फाइबर के अंदर रेयॉन, तो इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, ठीक। तो रेयॉन जो है वो सिल्क का ही जो है डुप्लीकेट बोल सकते हैं अपन, तो आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। एक्चुअली जो सिल्क है वो सबसे पहले चाइना के अंदर जो है वो डिस्कवर्ड हुआ था और चाइना ने ये काफ़ी टाइम तक जो है सीक्रेट मेंटेन करके रखा था। तो वर्ल्ड के दूसरे साइंटिस्टों ने जो है इसको आर्टिफिशियल तरीके से ऑब्टेन करने का जो है वो ट्राई करा था इसके अंदर,
इन एंड ऑफ द 19th century, और उनको सक्सेस भी मिली थी। तो ये जो सिमिलर टू सिल्क होता है, सच फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम द केमिकल ट्रीटमेंट। अब इस रेयन को जो है मेनली ऑप्टेन किया जाता है, वो अपन ऑप्टेन करते हैं इसके अंदर वुड पल्प और वुड पल्प से, है ना, यानी सेलुलोज होता है उसके अंदर, उससे ऑप्टेन किया जाता है। अब इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है रेयन का अंदर जो है वो प्योर कॉटन या वुड सेलुलोज यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो रेयन समटाइम कॉल्ड द रीजनरेटेड फाइबर, इसको अपन रीजनरेटेड फाइबर भी बोलते हैं। तो क्योंकि जो नेचुरल फाइबर या नेचुरल मटेरियल इसके अंदर यूज़ होता है, इसलिए बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल फाइबर। तो रीजनरेटेड फाइबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपन जो कॉटन है वो नेचुरल फाइबर है, उसको मॉडिफाइड करके इसको बना रहे हैं इसके अंदर। रेयन इज़ नॉट ट्रूली एन आर्टिफिशियल फाइबर, रेयन ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल फाइबर होता है, यानी कॉटन जैसे यूज़ करते हैं। हाउएवर फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस इट इज़ इंक्लूडेड इन मैन मेड फाइबर के अंदर, लेकिन इसको जो है अपन इंक्लूड किया है सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर अपन थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं मैनुअली। अब रेयन को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो है अपने को सेलुलोज या कॉटन लेना, कॉटन के अंदर सेलुलोज ही होता है, तो इसको अपन सॉक करते हैं 30% सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा फॉर 3 आवर। देन जो है इस कास्टिक सोडा को अपन जो रिमूव करके इसके अंदर अपन ऐड करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेलुलोज ज़ैंथेट बनेगा। सेलुलोज ज़ैंथेट के अंदर अगेन अपन इसको डिसॉल्व करेंगे कास्टिक सोडा के अंदर, तो ये एक कॉमन एक विस्कोस सॉल्यूशन बनेगा, विस्कोस सॉल्यूशन बनेगा जिसको विस्कोस सॉल्यूशन बोलेगा। और इस विस्कोस सॉल्यूशन को जो है फिल्टर करेंगे ताकि उसके अंदर कोई इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है उसको रिमूव कर लेंगे। और नेक्स्ट जो है इसको सॉल्यूशन को देन जो है इसको स्लोली पास करेंगे थ्रू द स्पाइन रेट। तो ये स्पाइन रेट जो है फाइन एकदम, इसमें से जो है वो विस्कोस मटेरियल बाहर आएगा थ्रेड लाइक। तो ये जिसको जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर इसको डिप करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, तो वेरी फाइन फिलामेंट्स या फाइबर बन जाएगा। द फिलामेंट इज देन वुवन ऑन द स्पूल, और फिर इस ये जो फाइबर बन रहा है इसके अंदर इसको अपन जो है वो रोल कर देते हैं इसके ऊपर स्पूल के ऊपर। तो इस तरह से जो है अपने को रेयन फाइबर जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। रेयन का यूजेस की बात करें तो देखिए, लॉन्ग फिलामेंट्स ऑफ द रेयन यूज फॉर मेकिंग द रेनफोर्स ऑटोमोबाइल टायर, यानी ऑटोमोबाइल्स के टायर्स बनाने के लिए यूज होते हैं। रेयन फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड विद द वुल टू मैन्युफैक्चर द कारपेट, यानी रेयन को वुल के साथ में मिक्स करके जो है कारपेट्स बनाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर अपना, रेयन फिलामेंट्स ब्लेंडेड विद द कॉटन टू मेक द स्मूथ सिल्की क्लॉथ विच कैन बी मेकिंग फॉर द बेड शीट। तो रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके जो है बेड शीट भी बनाते हैं। तो ये तो रेयन के यूजेस हो गए। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर है नाइलॉन। तो नाइलॉन जो है मैन मेड फाइबर है, और मेनली इसको जो बनाया गया 1931 के अंदर, इसको इसके अंदर जो यूजली जो है कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, इसको प्रिपेयर किया गया इसके अंदर पॉलीमराइजेशन ऑफ द अमाइड मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर जो है मेनली अमाइड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन होते हैं। तो नाइलॉन फाइबर कंसिस्ट ऑफ द वेरी लॉन्ग चेन ऑफ पॉली अमाइड मॉलिक्यूल, तो ये पॉली अमाइड्स मॉलिक्यूल्स हैं, एमाइड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं। नाइलॉन फाइबर आर द इलास्टिक, कैसा होता है इलास्टिक, है ना, जिसको खींच सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, वेदर रेजिस्टेंस, एंड इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। नाइलॉन का जो नेम दिया गया है वो दो सिटी पे बेस्ड है, एक तो लंदन और दूसरा न्यूयॉर्क, ये दोनों सिटी के बेस पे जो है इनका नाम दिया, न्यूयॉर्क और लंदन, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो है क्योंकि नाइलॉन को जो डेवलप है दोनों सिटी के अंदर पहले किया गया था। नाइलॉन फाइबर जो है वो हाईली इलास्टिक टेंसाइल एज द सिल्क लाइक अपीयरेंस, इसकी सिल्क लाइक अपीयरेंस होती है। एंड द वुमन स्टॉकिंग मेड फ्रॉम द नाइलॉन्स वर्थ इंस्टेंट हीट इन द मार। अब देखिए जब ये नाइलॉन बना तो इनसे बने हुए जो वुमन्स के जो पहने के लिए जो होते हैं सॉक्स वगैरह, ये मेनली से बनाया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड था इसके अंदर। लेकिन देखिएगा इन
1939 के अंदर जब वर्ल्ड वार स्टार्ट होने की वजह से इसका जो डिमांड है वो पैरासूट बनाने के लिए ज़्यादा होने लग गया, ठीक है। उसके बाद 1945 के अंदर जब वर्ल्ड वार स्टॉप हुआ तो इसका अगेन जो है प्रोडक्शन जो है क्लोथिंग मटेरियल या स्टॉकिंग यानी बनाने के लिए यूज़ होने लगा, लेकिन इसका जो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो है इसका जो है ब्लैक मार्केट होने लग गया था, ठीक है। अब यूजेस ऑफ नायलॉन की बात करें इसके अंदर, तो यूज़ फॉर मेकिंग द रोप्स फॉर क्लाइंबिंग द फिशिंग नेट, यानी क्योंकि नायलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है तो इसका यूज़ जो है फिश के नेट और या फिर क्लाइंबिंग रॉक यानी रॉक पे चढ़ने के जो रस्सियाँ होती हैं उसके अंदर भी यूज़ करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। और इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड, यानी टायर्स की जो कॉर्ड होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो और टेनिस रैकेट्स जो बनते हैं उसके जो फाइबर्स होते हैं ये भी इससे बनाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग द फैब्रिक्स फॉर क्लोथिंग ऑन पैरासूट्स, यानी फैब्रिक्स जैसे जो है क्लोथ और पैरासूट्स बनाते, तो पैरासूट का फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो ये नायलॉन का बनता है। एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द स्टॉकिंग ऑफ अकाउंट ऑफ इट्स हाई इलास्टिसिटी, यानी इसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती तो स्टॉकिंग मटेरियल्स बनाने के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं। अगला लेते हैं इसके अंदर इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीन, मशीन के कुछ स्मॉल पार्ट्स जैसे वाशर्स और पुलीज बनाते हैं इसके अंदर। और यूज़ फॉर मेकिंग द कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल्स जैसे टूथब्रश है, कॉम्ब्स है एंड जिप फास्टनर, ठीक है, और हुक्स जो है इससे बनते हैं। तो कुल मिलाकर अपन बोल सकते हैं नायलॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। तो स्टूडेंट इनसे रिलेटेड अपन जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देख लेते हैं इसके अंदर। तो अपने को जो है एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है इसके अंदर देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला तो एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, तो सिंथेटिक फाइबर क्यों कहा जाता है कुछ फाइबर को, तो उसका आंसर देखिएगा इसके अंदर, ये देखिएगा आंसर यहाँ से अपन लिखेंगे ये दिस आर्टिफिशियल फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर, यहाँ तक ये जो है एनसीईआरटी का फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट का आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन इसके अंदर मार्क द करेक्ट आंसर, तो इसके अंदर रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों है, पहला इट हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस, तो नाइलॉन की भी होती है तो इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम वुड पल्प, यस ये वुड पल्प से ऑप्टेन होता है एंड इट इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वूवन लाइक द क्लोथ दोज ऑफ नेचुरल फाइबर, तो ये तो दूसरे फाइबर्स की भी हो सकते, तो इसके अंदर ये होगा इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम वुड पल्प, इसलिए ये जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स है इसके अंदर, सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर, तो इसके अंदर फिल करना आर्टिफिशियल फाइबर या मैन मेड फाइबर। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेटाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो इसके अंदर अपन फिल करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड कोल। नेक्स्ट है लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो सिंथेटिक मटेरियल, प्लास्टिक भी क्या है सिंथेटिक मटेरियल या सिंथेटिक फाइबर है, तो ये हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट लेते हैं गिव एग्जांपल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हमने अभी डिस्कस करा नायलॉन फाइबर को स्ट्रॉन्ग होता है बहुत, तो इसके एग्जांपल देते हैं कि इसका जो यूजेस है अभी देखिए यहाँ पे, तो इसका यूजेस के हिसाब से अपन बता सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इट यूज़ फॉर मेकिंग रोप्स ऑफ द क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग के लिए जो रोप होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है, या फिशिंग नेट भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट। और इसका अलावा टायर की कॉर्ड या टेनिस रैकेट्स बनाने के अंदर है ना, और पैरासूट्स के अंदर यूज़ होता है और मेकिंग स्मॉल पार्ट ऑफ मशीन्स, तो ये फोर पॉइंट्स हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये फोर पॉइंट्स इसके अंदर राइट डाउन करने हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए होमवर्क है आज का, ठीक है, एनसीईआरटी का जो है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ तक जो है आपके ये आंसर्स आपको राइट डाउन करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।